अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबको मेरा सलाम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बीफ कढ़ाई। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करेंगे। जिसके लिए हमें चाहिए था आधा किलो बीफ, जिसे धो के रख दिया है मैंने अच्छे से। इस तरह से दो टमाटर ले लेंगे हम। दो टेबलस्पून दही चाहिए मुझे। अदरक लहसुन लेंगे साबुत। ऑयल लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च ये तकरीबन हाफ टी स्पून है। धनिया, खड़ा मसाला ले लेंगे ये तकरीबन एक टेबल स्पून था। स्टार्ट कर लेंगे अब हम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले एक पैन में ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम अपना बीफ शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो गोश्त का एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इस तरीके से इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे हम। बेल के बटन को भी प्लीज़ ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें चॉप प्याज शामिल करेंगे। मैंने मोटा मोटा इसे काटा है इस तरीके से। अब अदरक लहसुन ये मैं साबुत डाल दूँगी इसमें इस तरह से। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये सारे जो ड्राई स्पाइसेस हैं, हरी मिर्च, सब कुछ मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये तकरीबन लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च ये तकरीबन 1 टीस्पून था। नमक जितनी हमें ज़रूरत होगी, बाकी तकरीबन 1 टीस्पून थे। इस तरीके से ये सब शामिल कर देंगे हम। 1-2 मिनट अच्छे से भून लें। तकरीबन इसे अच्छे से मैंने भून लिया है जैसे आप देख रहे हैं। अब मैं इसमें 2 कप पानी शामिल कर दूंगी। इस तरीके से मिक्स कर लूंगी। पानी हमने शामिल कर लिया है। अब मैं इसे कवर लगा दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए कि जब तक ये अच्छे से गल चुके। अब हम चेक कर लेंगे तकरीबन 20 मिनट के बाद बीफ हमारा अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। बहुत ही आसान तरीका है ये इस बनाने का। इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से हमारे मैश हो जाएं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी तकरीबन 3 मिनट के लिए। चेक करेंगे टमाटर हमारे बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं और सारा मसाला भी जैसे आप देख रहे हैं। अच्छे से इसे हम भून लेंगे। अच्छे से भून लिया है मैंने इसे जैसे आप देख रहे हैं। ऑयल भी हमारा इंक्रीज़ हो चुका है। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। ज़्यादा दही शामिल नहीं करनी इस तरीके से। अब इसे अच्छे से भून लेंगे तकरीबन जो दही का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। कवर कर दूंगी मैं 2 मिनट के लिए। अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। बीफ कढ़ाई हमारी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।